दोस्तों नमस्कार, आइए अपने इस ब्लॉग में हम चलते हैं एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक स्थान पर जिसका नाम है जटाशंकर धाम छतरपुर। यह जटाशंकर धाम बुंदेलखंड का केदारनाथ धाम भी कहलाता है। यह भोपाल से 330 किलोमीटर दूर, मध्य प्रदेश के जनपद छतरपुर से 55 किलोमीटर दूर और छतरपुर की बिजावर तहसील से 15 किलोमीटर दूर है। इसी के पास मध्य प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल खजुराहो है। खजुराहो की दूरी यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर है। तो आज हम लोग चलते हैं जटाशंकर धाम यानी बुंदेलखंड का केदारनाथ धाम। इस स्थान में अमावस्या को भारी भीड़ होती है। चूंकि यह स्थान भगवान शंकर का है, इसलिए सावन में भी यहाँ बहुत भीड़ होती है। पूरे देश से और आसपास के जिलों से बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं। ये आपने देखा अभी नीचे परिसर जहाँ पर दुकानें हैं, तरह तरह के सूचना बोर्ड लगे हुए हैं। जब हम रास्ते से मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, इस स्थान में तमाम जंगली जानवर, काले बंदर और ये सब भी हमको दिखाई देते हैं। ये आप देख रहे हैं अभी जो परिसर है, ये मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ से मंदिर के लिए हम लोग जाते हैं। ये प्रवेश द्वार जिसमें अंदर जाते ही भगवान शिव की एक हस्त निर्मित मूर्ति बनी हुई है। काफ़ी बड़ी मूर्ति है, बड़ी सुंदर है, अलौकिक है। इसके नीचे बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। ये मंदिर परिसर को दिखाया गया है इस जगह पे, जहाँ पे यात्रियों के रुकने की भी व्यवस्था है। और यहाँ से प्रसाद लेने के बाद जब हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर मंदिर की तरफ जाते हैं, तब का सुंदर नज़ारा देखने लायक है। चारों तरफ हरे हरे पेड़ पौधे, पहाड़, और बरसात के दिनों में तो इतना सुंदर लगता है यहाँ पे कि उसकी छटा देखते ही बनती है। रास्ते में काले मुंह के बंदर और भी बंदर हैं, इनसे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। बंदरों ने यदि हाथ में प्रसाद देखा, ये दाई तरफ जो बंदर दिख रहा है, ये देखिए इन्होंने प्रसाद छीन लिया और ये भाई साहब भागे अपना प्रसाद छोड़ के। तो बंदरों का आतंक है थोड़ा सा, यदि हाथ में प्रसाद बंदर देख लेते हैं तो चाहे वो चित्रकूट हो चाहे जटाशंकर, यहाँ बंदर प्रसाद छीन लेते हैं। और उनसे प्रसाद छीन लिया है इन भाई साहब ने और वो सब मंत्रणा कर रहे हैं कि अरे यार प्रसाद चला गया, ये पार्टी शुरू हो गई और ये सारा प्रसाद आपका चढ़ गया। क्योंकि हनुमान जी को भी शिव का ही अवतार कहा जाता है और शिव के ही सारे गण हैं। तो भैया आपका प्रसाद चढ़ गया, अब आप जाइए दर्शन करिए। तो नीचे भी प्रसाद की दुकानें हैं और ऊपर भी प्रसाद की दुकानें हैं जिनको मंदिर ट्रस्ट ने चला रखा है। ये रास्ते में सीढ़ियाँ, अगल बगल झरने के स्रोत, बरसात के दिनों में बहुत सुंदर नज़ारा होता है यहाँ पे, क्योंकि ये झरनों में पानी, बहुत सारा पानी पहाड़ से आ जाता है तो ये झरने बड़े सुंदर हो जाते हैं। और कभी कभी तो इन सीढ़ियों में भी पानी होता है, पूरी सीढ़ियाँ पानी से भरी होती हैं। तो जो भी साथी कभी बरसात में जाते हैं तो थोड़ा सावधानी से भी जाएंगे और ये नज़ारा केवल बरसात के दिनों में ही देखने को मिलता है। इस स्थान पर स्नान के लिए कई सारे कुंड बने हुए हैं। ये कुंड जो दिख रहा है, इसमें पहाड़ों का प्राकृतिक जल आता है और यहीं पर लोग स्नान करते हैं। इस जल की महत्ता यह है कि प्राकृतिक जल में स्नान करने से बहुत सारे लोगों का चर्म रोग ठीक हुआ है। यह मंदिर 14वीं शताब्दी में राजा विवस्तु ने बनवाया है। कहते हैं राजा के मंत्री को चर्म रोग था और वो पूजा में जब बैठे उन्होंने लेप लगाया तो उनका चर्म रोग ठीक हो गया। इस तालाब में या इस जल में ये बच्चे जो खेल कूद कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग आते हैं यहाँ पे स्नान करते हैं। और यहाँ की एक कहानी और बड़ी प्रसिद्ध है डाकू मूरत सिंह की, कि कहते हैं कि डाकू मूरत सिंह इस इलाके में व्यापारियों को लूटते थे और डाकू मूरत सिंह को भी चर्म रोग हो गया। जब उन्होंने यहाँ पर स्नान किया तो डाकू मूरत सिंह का भी चर्म रोग ठीक हो गया। इसलिए यहाँ पर स्नान की अपनी ही एक महत्ता है, जो भी आते हैं यहाँ पर स्नान अवश्य करते हैं। इस स्थान की प्राकृतिक छटा, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने पर ऐसे बने जलकुंड, बड़ा ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। जब हम मंदिर परिसर में पहुंचते हैं तो शिव जी का त्रिशूल हमारे सामने है। इस स्थान पर अमावस्या को विशेष रूप से भीड़ लगती है और सावन में, पूरे सावन मास में, चूंकि शिव जी का स्थान है इसलिए यहाँ मेला लगा रहता है। पूरे भारत से तीर्थयात्री आते हैं, मध्य प्रदेश से, आसपास के जनपदों से तीर्थयात्री आते रहते हैं। ये बैरिकेडिंग की गई है अंदर स्नान के लिए, पहले ही एक स्थान, इस जगह बनी हुई है जहाँ पर भी लोग स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर साबुन और शैम्पू लगाना मना है, इसका इंस्ट्रक्शन है। ये मंदिर में जाने के लिए प्रवेश द्वार है,
जहाँ से मंदिर में प्रवेश करते हैं, इंस्ट्रक्शन सारे, कब गर्मी मंदिर कब खुलता है, बरसात में कब खुलता है, तो यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। तीर्थयात्री जिनको मनोयात्रा पूरी होती है, जिनका मनोरथ पूरा होता है, वो मंदिर में घंटा वगैरह भी चढ़वाते हैं, तो वो सारे धार्मिक रीति रिवाज यहाँ लोग करते हैं जो आप देख रहे हैं। इसी स्थान पर बाईं तरफ जहाँ मैं सूट नहीं कर पाया, वो तीन कुंड हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि मौसम के हिसाब से यहाँ जल होता है, यानी सर्दी में पानी गर्म होगा और गर्मी में यहाँ का पानी ठंडा होता है, जिसका स्नान करते ही अलौकिक प्रभाव से बहुत सारे चर्म रोग लोगों के ठीक हो जाते हैं। ये झरना आपको दिखाई दे रहा है, इसी झरने में स्नान करके ये इस गुफा में आके लोग जल चढ़ाते हैं। ये वो गुफा जहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है, जयकारा लगाते हुए लोग यहाँ पर स्नान करने के बाद जल चढ़ाते हैं। और ये जो बहता हुआ जल है, इसको देख के यदि आप स्नान करके भी गए हैं तो भी आपका मन नहाने का हो जाएगा। और ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ भी, मैं भले ही नहा के गया था लेकिन फिर मैंने यहाँ स्नान किया और जल चढ़ाया। लोग यहाँ से जल भर के ले जाते हैं। जब हम बगल की मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये ऊपर से नीचे का नज़ारा है कि किस तरीके से ये पानी ऊपर पहाड़ों से रिस रिस के आ रहा है मंदिर में चढ़े हुए झंडे, जिनको हम ध्वज या पताका भी कहते हैं। और लोग इस जल में नहा के अपने मनोरथ पूरे करते हैं, शिवजी को जल चढ़ाते हैं, घर ले जाते हैं। ये वो प्राकृतिक झरने हैं जो पहाड़ों से पानी आके धीरे धीरे इस नीचे बड़े झरने को या उस कुंड को जल प्रदान करता है। बरसात के दिनों में इन झरनों में इतना पानी होता है कि देखने का नज़ारा बड़ा ही सुंदर होता है। जिन लोगों ने भी इस स्थान को बरसात में भ्रमण किया होगा वो मेरी बात से सहमत होंगे। इस पूरे पेड़ की चारों तरफ पूरा झरने का नज़ारा होता है, पूरा पानी पहाड़ों से आके यहाँ गिरता रहता है और वो बाद में नीचे आके कुंड में भी जाता रहता है। ये ऊपर से नज़ारा, जब सीढ़ी मुख्य मंदिर से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जिनमें जाके आप दर्शन कर सकते हैं। यह सुंदर स्थान यूं ही बुंदेलखंड का केदारनाथ धाम नहीं कहलाता। यहाँ पर पूरे वर्ष तीर्थयात्री आते हैं, सावन या अमावस जो भी मौसम हो यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। यदि कभी आपने इस स्थान को नहीं घूमा है तो एक बार जरूर इस स्थान को देखने जाएं। भले ही ये जंगल में है लेकिन सुरक्षित है, आप जा सकते हैं, इस स्थान को घूम सकते हैं और जब आप लौट के आएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, हमने कोई स्थान घूमा। जटाशंकर नाम से एक स्थान पचमढ़ी में भी है। तो चलिए, आपने इस वीडियो में इस स्थान को घूमा। मिलेंगे हम लोग नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, आपका आभार।